फ्रेंड्स, दिस इज़ द चैप्टर टू फॉर द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें जीडीपी, जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी, स्पेशली फॉर द एसीएफ 2020। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। सबसे पहले मैं इस टॉपिक में आपको जीडीपी और जीएनपी पे फोकस करना चाहूँगी। जीडीपी तो अपन सब जानते हैं, डैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है जीडीपी रेफर्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, काफ़ी सारे ऑप्शंस देके ये पूछ सकते हैं। जीएनपी क्या होता है, फुल फॉर्म्स ही डायरेक्ट आ सकती हैं। तो सबसे पहले जीएनपी की बात करते हैं। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मेन क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आप ये चीज़ समझेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, सारी फाइनल जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक एस्टिमेट है टोटल वैल्यू का जो प्रोड्यूस कर रहा है कौन, कंट्री का रेजिडेंट, मतलब जो सिटीजन है, चाहे वो आउटसाइड कंट्री हो चाहे इनसाइड कंट्री हो, बट वो कंट्री का इंसान होना चाहिए, कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए, डैट इज़ नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सिंपल ईजी है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ, आप देख सकते हैं, ऑल डोमेस्टिक एंड फॉरेन आउटपुट क्रिएटेड बाय द सिटीजन्स ऑफ अवर गिवन कंट्री। अपनी ही कंट्री का सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो फॉरेन से हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, वो जीएनपी कहलाता है। जीएनपी इंक्लूड एक्टिविटीज़ बाय द सिटीजन्स एंड कंपनीज अब्रॉड बट एक्सक्लूड्स एक्टिविटीज़ बाय फॉरनर्स विद इन द कंट्री। अपने खुद की कंट्री में अगर फॉरनर्स कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो जीएनपी नहीं कहलाएगा। सिंपल और सोबर डेफिनेशन है इसकी। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। सारे जो गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, अब जीडीपी क्या, फॉर एग्जांपल अपन बहुत ज़्यादा फोकस अगर देखते हैं तो जीडीपी ही किसी भी कंट्री की अपन इकोनॉमिक स्नैपशॉट अगर लेना होता है तो वो अपन जीडीपी से ले लेते हैं। यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ रेट। भाई क्या ग्रोथ चल रही है किसी इकोनॉमी की, कहते हैं जीडीपी इंक्रीज चल रही है, डैट मीन्स ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज मॉनेटरी वैल्यू में अगर इंक्रीज हो रहे हैं डैट मीन्स गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं किसी कंट्री में, किसी कंट्री में सर्विसेज ज़्यादा बन रही है डैट मीन्स वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कैलकुलेटेड इन थ्री वेज, जीडीपी को कैलकुलेट आप थ्री वेज में कर सकते हो, डैट इज़ द एक्सपेंडिचर, आप एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कर सकते हो, प्रोडक्शन के बेसिस पे कर सकते हो और इनकम के बेसिस पे कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पर कैपिटा इनकम में भी इंपॉर्टेंट होता है कि पर कैपिटा अगर आपको जीडीपी निकालनी है तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन अगर आप करते हैं तो जीडीपी पर कैपिटा आपको मिल जाती है। अब जीएनपी और जीडीपी जो होते हैं वो आउटपुट और इनकम ऑफ एन इकोनॉमी अपन को रिप्रेजेंट करते हैं, पर मेन डिफरेंस जीएनपी और जीडीपी में क्या होता है। जीएनपी में ये होता है कि जो नेट इनकम रिसीप्ट्स हैं फ्रॉम अब्रॉड भी ली जाती हैं, जो अब्रॉड अपनी जीडीपी में नहीं ली जाती हैं। जीडीपी में क्या होता है, सिर्फ मेजर ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर की बात होती है। अब देखते हैं जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल एंड सोबर, जीडीपी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी में कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, डैट मीन्स नेट इम्पोर्ट जो है उसको प्लस करके ये जीडीपी का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। देन जीडीपी फॉर्मूला, जीडीपी तीन तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है एक इनकम अप्रोच होती है और एक वैल्यू एडेड अप्रोच होती है। ओके, एक्सपेंडिचर अप्रोच का अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखा चुकी हूँ, और जीडीपी अप्रोच जो इनकम अप्रोच है, इनकम अप्रोच में टोटल नेशनल इनकम आएगी, सारे टैक्सेस इसमें ऐड होंगे, डेप्रिसिएशन, किसी भी पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कार खरीदी है तो उसकी वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी, 1 लाख की है तो उसमें थोड़ा सा 90,000 की हो जाएगी एक साल में, वो डेप्रिसिएशन भी ऐड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम ये इसमें ऐड की जाती है, इनकम अप्रोच है। वैल्यू एडेड,
जो ग्रॉस वैल्यू है एक आउटपुट की, फॉर एग्जांपल कोई एक पेन है वो 100 रुपये का आ रहा है, 100 रुपये माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कुछ इंटरमीडिएट अगर उसमें कंजम्पशंस लग रही है -10 रुपीज़, तो वो पेन 90 का वैल्यू एडेड अप्रोच, तो जीडीपी कितनी की हुई 90। वैल्यू एडेड अप्रोच से अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। जीएनपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीएनपी बहुत ईजी है। जीएनपी में जीडीपी तो अपनी मार्केट प्राइस पे आप ले ही रहे हो, उसके साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड स्पेशली फ्रॉम द सिटीजन्स इज इक्वल टू जीएनपी एट द मार्केट प्राइस, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। देन द पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम कह सकते हैं इसको, मेजर्स द एवरेज इनकम अर्न बाय पर पर्सन इन अ गिवन एरिया, सिटी का भी हो सकता है, रीजन का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है, इन ए स्पेसिफाइड ईयर। इट इज़ कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डी पी पर कैपिटा इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, एक कंट्री की क्या है, एक एरिया की क्या है, एक स्टेट की क्या है, डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन कर देते तो पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम कितनी है कह सकते हैं इसको। एवरेज इनकम को आप यूज़ कर सकते हैं पावर्टी लाइन, अगर आपको डिफाइन करनी हो तो एवरेज इनकम से नीचे कमा रहा है या एवरेज इनकम से ऊपर कमा रहा है एक सिटीजन, तो ये पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहले चैप्टर में मैंने बताया था पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा होगा उससे पता चलेगा कि एफिशिएंसी ऑफ द सिटीजन इज़ वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।